Here there are two miscellaneous questions, and that is asked in IIT 2007 paper 2, and this question is asked in IIT 2009 paper 1, and then we'll shut down the complex number and we'll start the next. I already told in 2-3 video lectures, right? So the first question, they give, if modulus of z is 1 and z is not equals to plus minus 1, so ye keh raha hai ki वो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है कि उसका मॉड्यूलस 1 है, मॉड्यूलस ऑफ z इज 1, बट z इटसेल्फ इज नॉट प्लस माइनस 1, मतलब प्लस माइनस 1, हालांकि इनका भी मॉड लें तो 1 आता है, तो इसका कहना ये है कि वो प्लस माइनस 1 नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर, बट मॉड्यूलस इज 1, तो इस तरह का हमें कॉम्प्लेक्स नंबर देखना होगा. देन ऑल द वैल्यूज ऑफ z डिवाइडेड बाय 1 माइनस z स्क्वायर लाई ऑन, तो ये बताना है कि पर्टिकुलर z अपॉन 1 माइनस z स्क्वायर किस पे लाई करेगा, ठीक है, और वो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर हमें लेट करना पड़ेगा, तो उसमें लेट करेंगे. देखिए एक पर्टिकुलर नंबर होता है जिसमें मॉड z 1 भी हो जाता है, और वो डी माइवर्स थ्योरम में जो इनिशियली हम पोलर फॉर्म में नंबर को लेते हैं, अगर z आप ये लें cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा, तो इसमें सारी बातें आ गई कि इसका मॉड z 1 हो गया और z जो है प्लस माइनस नहीं भी है, तो मतलब दोनों कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है, एंड दिस इज द नंबर, राइट. सो z, लेट दिस z इज cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा. सो अब हम इस नंबर को उठा लेंगे, सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस नंबर, ये नंबर कहाँ लाइक करेगा. सो z इज cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस z स्क्वायर, सो cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा होल स्क्वायर, राइट. और यहाँ पे डेफिनेटली वो डी माइवर्स थ्योरम लगेगी, एंड देयरफॉर यू कैन राइट द 1 माइनस दिस इज cos 2 थीटा, cos 2 थीटा प्लस आइटा sin 2 थीटा, ये रिजल्ट हमने डी माइवर्स थ्योरम को यूज करते हुए लिख दिया, ठीक है. और इसको जब आप ओपन करोगे, cos थीटा प्लस आइटा sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos 2 थीटा एंड माइनस आइटा sin 2 थीटा, राइट. सो इट विल बी इक्वल्स टू cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा, 1 माइनस cos थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा, राइट, माइनस आयोटा, इसको भी ब्रेक कर देते हैं, 2 sin थीटा cos थीटा, राइट, एंड वी कैन टेक आउट द होल वैल्यू कॉमन, देखिए वो ये निकल के आ जाएगी cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा, हम इसको बाहर निकाल सकते हैं. सो यहां से हमें वैल्यू मिल रही है sin थीटा माइनस आइटा cos थीटा, माइनस आइटा cos थीटा. अब ये जो नंबर है अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि किस ABCD किस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये वो उसको मतलब किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, राइट. तो इस पे एक और काम किया जा सकता है, इस पोजीशन में हम नहीं बता सकते, राइट. सो व्हाट इज देयर, यू जस्ट डू वन थिंग, इसमें एक आयटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, आयटा इनटू कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, और आयटा से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दें, और उस आयटा को इधर अंदर ले लें, दिस इज आयटा साइन थीटा एंड दिस इज माइनस आयटा स्क्वायर, माइनस आइटा स्क्वायर कॉस थीटा. नाउ सी क्या वैल्यू हो रही है, दिस इज आइटा ऑफ कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय दिस इज 2 साइन थीटा, राइट, एंड आइटा स्क्वायर इज माइनस 1, सो द नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा कॉस थीटा एंड प्लस आइटा साइन थीटा, दिस इज द नेगेटिव वैल्यू, दिस इज द पॉजिटिव वैल्यू, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा. सो अल्टीमेटली दिस इज आइटा अपॉन 2 साइन थीटा वैल्यू, आइटा अपॉन 2 साइन थीटा वैल्यू इज प्योरली इमेजिनरी वैल्यू, दिस इज प्योरली इमेजिनरी वैल्यू, राइट. अगर ये प्योरली इमेजिनरी वैल्यू है तो डेफिनेटली दिस विल लाई ऑन द वाई एक्सिस, सो द डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर. उसने पूछा कि दिस जेड अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर लाई ऑन, ये हम बता सकते हैं कि दिस विल लाई ऑन द वाई एक्सिस, व्हाई, बिकॉज इट्स अ इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर. इसके बाद में
लास्ट क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर में, देखिए ये बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन, जेड जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई बी द कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें एक्स प्लस आइटा वाई फॉर्मेट में, इसमें गिवन है कि एक्स एंड वाई आर द इंटीजर्स, दीज एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स। ओके, देन एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज वर्टिसेस आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, और उस इक्वेशन में जो एक्स और वाई की वैल्यूज आएंगे, उसकी जो जितने भी रूट्स आएंगे, उन रूट्स को हम देखेंगे कि दीज रूट्स आर द वर्टिसेस ऑफ द इक्वेशन दिस, वर्टिसेस, देन एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज वर्टिसेस आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की जो वर्टिसेस हैं वो इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। ठीक है, तो मेन काम यह है कि अभी हम इसके रूट्स निकालते हैं। तो देखिए इसको z बार z क्यूब प्लस z z बार क्यूब इक्वल्स टू 350, और इसमें z z बार कॉमन निकल रहा है, z z बार इज कॉमन, सो z स्क्वायर बचेगा यहाँ से, और इधर से z बार स्क्वायर बचेगा इक्वल्स टू 350, एंड z इज x प्लस आइटा वाई, z इक्वल्स टू x प्लस आइटा वाई, z z बार मीन्स मॉड ऑफ z स्क्वायर, सो दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डायरेक्टली। और सेकेंड पोर्शन जो है ये हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं, जेड स्क्वायर प्लस जेड कॉन्जुगेट स्क्वायर, जेड स्क्वायर मीन्स एक्स प्लस आइटा वाई स्क्वायर एंड एक्स माइनस आइटा वाई स्क्वायर, ये वैल्यू देगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। पहले पॉजिटिव वैल्यू लिख दी जाए, टू आइटा एक्स वाई प्लस आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर इज माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू आइटा एक्स वाई प्लस आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, सो माइनस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, एंड दिस इज टू टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, टू टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, टू टाइम्स ऑफ माइनस वाई स्क्वायर, तो उसको हम लिख सकते हैं टू टाइम्स ऑफ। तो देखिए ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये टू आएगा, टू आगे रख दिया जाए और बाकी लिख दें हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 350, राइट। और अब इसको सॉल्व करना बाकी है, राइट। देखिए इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 350 डिवाइडेड बाय 2, सो दिस इज 175, और 175 के फैक्टर होंगे 5 इंटू 5 25 7 जा 175, सो दीज आर द फैक्टर्स। पॉइंट ये है कि ये दोनों भी इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स के स्क्वायर का सम है और इंटीजर्स के स्क्वायर का डिफरेंस है, और दीज आर रिटन इन प्रोडक्ट फॉर्म, तो यहाँ पे भी हमें इनके दो प्रोडक्ट में लिखना है इन वैल्यूज को, राइट। और अगर हम इस तरह से वैल्यूज को ले लें, 25 5, बेसिकली इसके जो 175 है इसके फैक्टर्स आप लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 × 5 × 7 लेंगे। अब देखिए इसमें ऑप्शंस हो सकते हैं, हम दो पेयर हमें बनाने हैं, एक पेयर हम 25 और 7 का ले सकते हैं, 25 और 7 का ले सकते हैं, और दूसरा 35 और 5 का भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले जो सपोज करो इसको लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 25 × 7 लेंगे, डेफिनेटली जो बिगर नंबर है वो ये वैल्यू दे रहा होगा और स्मॉलर नंबर जो होगा ये नंबर दे रहा होगा, सो वी कैन कंपेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25 पॉसिबल है इक्वेशन वन, एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 7 पॉसिबल है, सो दिस इज द वन कंडीशन। अभी मैं दूसरी बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी फैक्टर्स पॉसिबल थे, मतलब 35 और 5 वाला केस भी बनेगा, उसको भी हम देखेंगे क्या हो सकता है। तो इनको दोनों को ऐड किया जाए, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 32, x स्क्वायर इज 16, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। देखिए ये इंटीजर वैल्यू दे रहा है, बिकॉज यहाँ जो मेन पॉइंट बोला था
x and y are integers, so these are the integers. अगर हम subtract करें तो subtraction में 2y square आएगा and this is equals to 18. So y square equals to 9, y equals to plus minus 3. These are also the integers. तो ये दोनों integers आएंगे. अगर हम मान लीजिए इसको चेंज करते हैं 35 करते हैं, x square plus y square को 35 ले लें और x square minus y square को 5 ले लें, तब देखिए क्या होगा. When you add 2x square equals to 30 हुआ और x square equals to 15 होगा, तो जो x आएगा plus minus root 15 आएगा, which is not integer, right? So that second possibility, second case is not applicable here. तो first case यही applicable था, ये वाला केस फेल करता है, तो उसको हम हटा देंगे, right? And we have the four values, x और y की जो चार सेट मिल गए हमें, इन आंसर्स को ऐसा लिखा जाए, मतलब x की वैल्यू है plus minus 4, y की वैल्यू है हमारे पास में plus minus 3, और इस तरह से हम इन नंबर्स को फोर कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट कर सकते हैं एंड दैट विल क्रिएट द वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल. तो वो चेक करते हैं किस तरह से होंगी और उसके बाद में उस रेक्टेंगल का हमें एरिया निकालना है, राइट? तो इस तरह से देखा जाए, देखिए ऐसा दोनों को पॉजिटिव लेंगे, 4 3 हो सकता है, 4 माइनस 3 हो सकता है, माइनस 4 3 पॉजिटिव हो सकता है, माइनस 4 और माइनस 3. So these can be the four vertices, both positive, both negative, positive negative, negative positive. ये सारी possibility लिख दी और इसको अगर draw किया जाए, देखिए आप क्या होगा, 4 3. Let's say this is 4 and this is 3. 4 3 is one vertex and 4 minus 3. 4 minus 3 is another vertex. 4 minus 3, -4 3. This is -4. And 3. So minus 4, 3 is third vertex. Minus 4, minus 3. Minus 4, minus 3. Minus 4, minus 3, fourth vertex. So is tarah se charon vertex aa jayenge and we'll find the one rectangle here. Right. This rectangle ka area nikalna hai. Ab ek cheez dekhiye aap. 4 distance idhar gaya hai, 4 idhar gaya hai. To ye wali jo length hai, 8 hai length. And the 3 is above, 3 is down. So 6 is this one. And area is 8 into 6, so 48, and the A option is correct here. इस तरह से हमें इस given condition में जो rectangle बन रहा है, on x and y are given as the integers, वो हमने निकाला. ये particular question 2009 का था, paper 1, right? तो simply इसको solve करना था, और यहीं पे एक critical stage यहीं पे आती है कि दो factors को इसको दो ही पार्ट्स में आपको फैक्टराइज करना था और देखना था कि कौन सा केस पॉसिबल होगा जो कि आपको इंटीजर वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई देगा. एंड आफ्टर मेकिंग दीज वी गॉट द फोर वैल्यूज, इस तरह से फोर वर्टिसेस मिलेंगे एंड वी गॉट द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल. ठीक है, इस तरह से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फिनिश हुआ. नाउ फ्रॉम दिस फ्रॉम हियर it is total shutdown of the complex number. Next I am going to start the two dimensional coordinate geometry. The complete two dimensional coordinate geometry includes the Cartesian system, then we start the straight line, and I will go into this order. So I am telling you the order: Cartesian system, then I will take the straight line, pair of straight line, the circle, most important topic for the IIT JEE, for any other exams, and parabola, ellipse and hyperbola, and last one is a rectangular hyperbola. So I'm going to cover the whole two dimensional coordinate geometry into the next video, starting from this next video jo bhi start hoga wahan se. Okay, thanks.